गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं ललन सिंघानिया आज आप लोगों का अपना ही चैनल ललन रेफ्रिजरेशन पे मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आप लोगों को पता है कि जो 17 फरवरी को एक नोटिस देना चाहता हूं आज फेसबुक लाइव। आज मैं बहुत दिनों के बाद फेसबुक पे लाइव आया हूं और लाइव आने के साथ मैं यह बताना चाहता हूं कि ललन मैथमेटिक्स की जो टीम है, आप लोगों को पता है कि मैट्रिक की जो परीक्षा हमारे बिहार बोर्ड जो ले रही है, जिसका एक समझिए कि एक मजाक बन रहा है। क्या मजाक बन रहा है कि YouTube पे, सोशल मीडिया पे या अदरवाइज किसी भी प्लेटफॉर्म पे एक ऐसा मजाक बन रहा है कि 17 फरवरी को जो मैथ्स का एग्जाम हुआ है वह कैंसिल हो गया। मैं आपको बता दूं कि 17 फरवरी को जो फर्स्ट सिटिंग में और सेकेंड सिटिंग में जो मैथ्स की परीक्षा हुई है वह कोई भी एग्जाम कैंसिल नहीं हुआ है। पूरे स्टूडेंट्स के बीच में जो आप ये अफवाह फैल गई है ये कि मैथ्स एग्जाम कैंसिल हो गया है, कोई भी मैथ्स एग्जाम कैंसिल नहीं हुआ है, वो एग्जाम दोबारा नहीं होने वाला है। कुछ लोगों ने बताया कि व्हाट्सएप पे क्वेश्चन वायरल हो रहा है या सोशल मीडिया पे। मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन वायरल हुआ है, मेरे तक तो कोई क्वेश्चन नहीं पहुंचा है। लेकिन अगर वायरल भी हो रहा है तो उसमें स्टूडेंट्स की कोई गलती नहीं है। आप बिहार सरकार के सिस्टम पे सवाल उठता है कि बिहार सरकार आप कैसे विधि व्यवस्था को रखे हैं जिसके कारण एग्जाम कैंसिल होने की संभावना व्यक्त हो रही है। स्टूडेंट्स आपका साल भर मेहनत करता है, मेहनत करके फिर एग्जाम्स में बैठता है और वह लोग तो इसी ख्याल में है कि 23 फरवरी को मेरा एग्जाम कैंसिल हो, मेरा एग्जाम खत्म होगा और खत्म होने के बाद जो है हम लोग थोड़ा सा रिलैक्स फील होंगे। आप उसको एग्जाम को कैंसिल करके और दोबारा फिर से एग्जाम लोगे, मतलब स्टूडेंट्स पे प्रेशर। अगर आपका क्वेश्चन वायरल होता है तो वो आपकी विधि व्यवस्था पे गलती है, ना कि स्टूडेंट्स की गलती है। इसीलिए अभी तक बिहार बोर्ड ने कोई भी नोटिस जारी नहीं किया है कि 17 फरवरी को जो मैट्रिक मैथ की परीक्षा हुई है वह कैंसिल नहीं हुई है। मोतिहारी में एक डीएम है जिन्होंने पुष्टि किया कि एग्जाम क्वेश्चन वायरल हुआ है, तो मोतिहारी के डीएम ने क्वेश्चन को वायरल की पुष्टि की तो आपके सिस्टम पे सवाल उठता है। मोतिहारी जिला के सिस्टम पे सवाल उठता है, बिहार सरकार की गवर्नमेंट पे सिस्टम होता है, डीएम के अंदर में देख रेख है तो कैसे क्वेश्चन वायरल हो रहा है। सबसे पहले हमने जहां तक देखा है कि बिहार सरकार का यह सिस्टम है कि कॉपी को सील किया जाता है, जब बच्चे को क्वेश्चन दिया जाता है तो क्वेश्चन सील ही नहीं होता, कॉपी सील होता है। तो ये सब सिस्टम से हमारे बिहार बोर्ड का, लेकिन मैथ्स का एग्जाम कैंसिल नहीं हुआ है। आप लोग किसी भी भ्रम में ना रहे कि मैथ्स का एग्जाम कैंसिल हुआ है, एग्जाम दोबारा नहीं होगा, बिल्कुल यह फिक्स है, मैथ्स का एग्जाम दोबारा नहीं होगा, किसी प्रकार का एग्जाम कैंसिल नहीं हुआ है। मैं इसी वीडियो में मैं फेसबुक लाइव से आप लोग से जुड़के मैं ये नोटिस देना चाह रहा था कि कोई भी एग्जाम जो है कैंसिल नहीं हुआ। उसके बाद आप लोगों को पता है कि ललन मैथमेटिक्स क्लासेस जो है 5 फरवरी से, ललन मैथमेटिक्स क्लासेस जो है 5 फरवरी से नया बैच YouTube पे स्टार्ट किया है। 5 फरवरी से नया बैच YouTube पे ऑनलाइन स्टार्ट कर चुकी है। आप लोग जो बच्चे 2023 में मैट्रिक की परीक्षा देंगे वह हमारे YouTube चैनल ललन रेफ्रिजरेशन के चैनल से जुड़ सकते हैं और 15 फरवरी से हमारा ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो गया है ललन मैथमेटिक्स पूरा टोला कह रहा हूं के ब्रांच में। 15 फरवरी से जो है ऑफलाइन क्लास स्टार्ट है, आप लोग क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं और मैथ्स की एग्जाम कैंसिल नहीं होगी हुई है। दूसरी एक जबरदस्त नोटिस यह है कि कहलगांव में कंपटीशन की तैयारी करने के लिए एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, जो बच्चे इंटर पास करके और कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं, एक अच्छा सकारात्मक सपना लेके, जॉब की सपना लेके, जॉब के हुनर को लेके आगे बढ़ने के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपको बता दें कहलगांव में एक आरएमसी क्लासेस, आरएमसी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो कॉम्पिटिशन की तैयारी करती है और आरएमसी जो है अपना नया बैच 21 फरवरी से, यानी आज से ही 21 फरवरी से जो है
आरएमसी नया बैच स्टार्ट किया है, जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं वह आरएमसी ज्वाइन कर सकते हैं। आरएमसी में भी हमारे गुरु राज सर से आपकी मुलाकात होगी, हमारे गुरु भास्कर सर से मुलाकात होगी और हम लोग भी आरएमसी के ही स्टूडेंट हैं, आरएमसी में ही पढ़ते हैं और वहीं पे प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसीलिए जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं वह 21 फरवरी यानी आज से ही नए बैच की शुभारंभ हो गई है एसएससी रेलवे बैंकिंग के लिए, आप लोग आरएमसी ज्वाइन कर सकते हैं। एड्रेस एसएसबी कॉलेज मेन गेट के सामने आप लोग आरएमसी को ज्वाइन कर सकते हैं और मैथ्स का एग्जाम कैंसिल नहीं हुआ है, आप लोग किसी भी भ्रम में ना रहे। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीबॉडी, फिर से मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।